श्री राम के धरती से वैकुंठ धाम तक की कहानी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह कृष्ण रूप में श्री विष्णु के घोषित वाक्य है, जिसका उदाहरण उनके दशावतार से स्थापित होता है। प्रत्येक रूप उन्होंने पृथ्वी और मनुष्य की रक्षा करने के उद्देश्य से लिए, और भगवान श्री राम भी ऐसा ही एक स्वरूप है जो धरती पर उनका सातवां अवतार था। इस स्वरूप में उन्होंने धर्म, अनुशासन, प्रेम और सत्य का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, और इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनके जन्म का उद्देश्य जब पूरा हुआ, तब मनुष्य शरीर त्याग कर उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया। अंत क्योंकि वो स्वयं श्री हरि विष्णु के स्वरूप थे, इसलिए उनकी मनुष्य देह की अंतिम यात्रा भी साधारण नहीं थी। उनको लेने की अनुमति पाने के लिए स्वयं यमराज आए थे। तो चलो जानते हैं क्या हुआ जब यमराज अयोध्या श्री राम के अंतिम प्रवास की अनुज्ञा करने आए। धरती पर भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न कर लिए थे। अब उनकी मृत्यु के काल की सूचना और उनसे वार्तालाप करने यमराज एक साधु के रूप में नगर पहुंचे। वहां वे श्री राम से मिलने आए, अंत वह नहीं चाहते थे कि उनका संवाद कोई और सुने, इसलिए उन्होंने अनुवाद किया कि उनके मध्य के संवाद गुप्त और बिना किसी के हस्तक्षेप के पूर्ण हो, परंतु यदि ऐसा न हुआ तो द्वारपाल को मृत्यु का सामना करना होगा। इसीलिए हनुमान जी के अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वार पर रक्षा हेतु रखा गया। यमराज और श्री राम के वार्तालाप के मध्य में ही आर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ, और उन्होंने श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण के रोकने पर आर्षि दुर्वासा ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्हें जाने नहीं दिया तो वहां अयोध्या नरेश राम को श्राप दे देंगे। अपने भ्राता की आज्ञा और अपनी मृत्यु या श्री राम का हित, इसके बीच लक्ष्मण ने मृत्यु स्वीकार कर अपने प्रिय भाई राम को आर्षि दुर्वासा के श्राप से बचाने का निश्चय किया और उन्हें भीतर प्रवेश दिया। लक्ष्मण को देख राम चकित व चिंतित हुए। यह सब देखकर यमराज क्रोधित हुए और उन्होंने राम से कहा कि इसे मृत्यु दंड दे। श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, यह निश्चित था, परंतु उन्हें वह करना होगा। यह सब जानकर अतः लक्ष्मण ने अपने भ्राता को इस दुविधा से मुक्त करने के लिए स्वयं जल समाधि लेने का निश्चय किया, और वह सरयू नदी के गोद में समाहित हुए। सीता के विरह से दुखित श्री राम एक और विरह का दुख संभाल नहीं पाए, और वो भी अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का साथ देते हुए सरयू नदी में जल समाधि ली। ये देखकर भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जंबवंत दुखित हुए, परंतु श्री राम के जाते ही सरयू नदी से श्री विष्णु अपने प्रचंड स्वरूप में प्रकट हुए और अपने दुखी भक्तों को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने धरती से विदा ली। इस प्रकार भगवान राम ने पुण्य भूमि अयोध्या से भावपूर्ण विदा ली, परंतु अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके समर्थन के लिए पुनः लौटेंगे। तो ये थी श्री राम के वैकुंठ धाम जाने की कहानी। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति मार्ग।